हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही बढ़िया हेल्दी हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बेनिफिशियल और लो कैलोरी रेसिपी, साथ ही वेट लॉस में हेल्पफुल रेसिपी का वीडियो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह से हम कोरिएंडर का यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड, आपने ठीक ही सोचा। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में लेमन कोरिएंडर सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी बनने में बहुत आसान है, झटपट बन जाती है। तो हम इंग्रेडिएंट क्या क्या लगने वाले हैं हमको यहाँ पर, तो हमारा लेमन कोरिएंडर सूप होने की वजह से यहाँ पर मैंने कोरिएंडर या हरा धनिया लिया हुआ है। दो बॉल के करीब इस बॉल से मैंने मिक्सर ब्लेंडर में से इस तरह से बारीक कर लिया है, और देख पा रहे होंगे आप इस तरह से कर लिया है। तो ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। दूसरा इंग्रेडिएंट हमें लेमन जूस लगने वाला है, तो जूस लिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर मैंने कुछ लेमन्स के पीसेस लिए हुए हैं। कैरोट का एक बड़ा सा टुकड़ा लेके रखा है जिसे चॉप कर लिया है, और यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च ली है जो कि एक चौथा हिस्सा शिमला मिर्च का इस तरह से काटा है, और ऑरेंज कलर की शिमला मिर्च का भी एक चौथा हिस्सा है। साथ ही मैंने यहाँ पर अदरक के जुलियन कट लिए हैं, चार बड़ी सी लहसुन की कलियाँ हैं जिसे चॉप कर लिया है, और एक हरी मिर्च के इस तरह से टुकड़े कर लिए हैं मैंने। केबेज का एक टुकड़ा लिया है जिसे इस तरह से चॉप कर लिया है मैंने। साथ ही हमको यहाँ पर शुगर लगने वाली है, तो मैंने एक टेबल स्पून के करीब शुगर ली है। हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्च पाउडर लिया है, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने यहाँ पर काला या पिंक नमक लिया है। साथ ही हमको बटर लगने वाला है, पानी लगने वाला है, और नमक स्वादानुसार लगने वाला है। तो अभी हम टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। इसके लिए गैस ऑन कर लूँगी और पैन यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। पैन गर्म हो गया है। अभी मुझे यहाँ पर एक टेबल स्पून के करीब बटर ऐड कर दिया है मैंने। बटर मेल्ट हो गया है। अब यहाँ पर मुझे लहसुन, हरी मिर्च और अदरक के पीसेस ऐड कर देना है। इसे हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पर हम गाजर कटी हुई, साथ ही केबेज या पत्ता गोभी, इसे भी ऐड कर देंगे, और साथ ही शिमला मिर्च जो दी है हमने ऑरेंज और ग्रीन वाली, उसे भी ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से घुमा लेंगे हम, और मैं इस बॉल से दो बॉल सूप तैयार करने वाली हूँ, तो इसलिए पौना बॉल मैंने पानी ले लिया है जिसे ऐड कर दूँगी मैं। स्पीड बढ़ा दी है मैंने, मीडियम कर दी है। इसी तरह से दूसरा बॉल का भी पानी ऐड कर दिया है मैंने। इसे अच्छी सी उबाली आने देंगे। चार से पाँच मिनट तक इसे उबाल लेना है। मैं यहाँ पर लेमन के पीसेस भी ऐड कर दूंगी। स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे। पाँच मिनट हो गए हैं इसे उबलते हुए, लेमन जूस ऐड कर देंगे। साथ ही शुगर, काला नमक और काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। पानी मिला देंगे, और पानी मिक्स करने के बाद में इसे हम सूप में ऐड कर देने वाले हैं। दो मिनट के लिए उबाल आने देंगे, और लास्ट में हमने जो हरा धनिया लिया हुआ है उसे ऐड कर देंगे। दो से तीन मिनट तक उबाल आ गया है। गैस फ्लेम ऑफ कर लेंगे।
और इसे सर्विंग बाउल में डिश आउट कर लूँगी। लास्ट में बटर करेंगे। इसे मिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड, हेल्दी डिलीशियस रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बेनिफिशियल, लो कैलोरीज, वेट लॉस में सहायक ऐसी लेमन बनके तैयार हो चुकी है। ये काफ़ी हेल्दी होने के साथ में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सकेगी। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। देखिए फ्रेंड, ये बेल फल का अचार कितना खूबसूरत दिख रहा है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, डिलीशियस है, टेंगी है, स्वीट है, सोर है, सारे कुछ टेस्ट है इसमें। अभी अभी मैंने बनाया था, लेकिन घर में इतना पसंद आया कि आधा तो फिनिश भी कर चुके हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। मज़ेदार टेस्ट है इसकी।